नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रों में क्या कुछ खरीदने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं इस चीज़ में चिंतित होते हैं कि नवरात्रों में क्या कुछ खरीदना चाहिए, क्या कुछ घर पर लाना चाहिए। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे कि आप लोगों को किन किन चीज़ों की खरीदारी करने से कौन सी आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो सकती है। तो सबसे पहले लोग जो होते हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे तो आप इन नवरात्रों में 9 दिनों में आप कभी भी गाय का शुद्ध देसी घी खरीद कर अपने घर ले आएं और सबसे पहले वो माँ दुर्गा को भोग में लगाएं और उसके बाद उस घी को आप नित्य रूप से खाएं। और अगर इस घी को अगर आप आटे का हलवा या फिर सूजी का हलवा बना करके भोग में लगाते हैं माँ दुर्गा को, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। ये आपको आरोग्य जीवन प्रदान करेगा। बात करते हैं अगली चीज़ की। काफ़ी लोगों की इच्छा होती है घर की। अपना घर यदि आप चाहते हैं तो आपको करना क्या है, नवरात्रों के दिनों में आपको एक मिट्टी का घर लेकर आना है और उसको अपने घर में उत्तर पूर्वी दिशा में स्थापित करना है। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपकी घर लेने की मनोकामना भी बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। बात करते हैं अगली मनोकामना की। बहुत सारे लोग होते हैं विदेश जाने की मनोकामना करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर जाकर एब्रॉड जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं। तो उन लोगों को करना क्या है, एक ध्वज आप ले आइए नवरात्रे के पहले दिन ही, यानी पहले नवरात्रे पर एक ध्वज आप ले आइए यानी झंडा, और उसको आपको माँ दुर्गा को चढ़ाना है 9वें दिन। मगर 9वें दिन चढ़ाने से पहले आपको इन नवरात्रों में उस झंडे की पूजा करनी है, साथ ही साथ दीपक जलाना है और उसके बाद 9वें दिन माँ दुर्गा को अर्पित करके, उनके चरणों में अर्पित करके वापस अपने घर ला करके रख देना है। और उसको आपको रखना कौन सी दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिमी दिशा में आपको उसको रखना है। यदि आप ये उपाय करते हैं 9 दिनों में तो आपकी विदेश जाने की मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाएगी। बात कर लेते हैं अगली मनोकामना की। यदि आपको आर्थिक कष्ट हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि आर्थिक कष्ट हमारे समाप्त हो जाएं, तो आपको करना क्या है, कोई भी चांदी की वस्तु माँ दुर्गा को अर्पित करके वापस अपने पास ही लाके उसको अपनी तिजोरी में रख दें। जो भी आपके आर्थिक कष्ट होंगे वो सारे समाप्त हो जाएंगे और साथ ही साथ धन में भी आपके बढ़ोतरी होगी। जो लोग चाहते हैं नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, तो उन लोगों को करना क्या है, नौकरी में या व्यापार में अगर आप तरक्की चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं तो आप लोगों को इन नवरात्रों में एक छोटी सी कुर्सी लेकर आनी है। कुर्सी कैसी लेकर आएंगे, लाल रंग की आपको कुर्सी लानी है जिसकी जो गद्दी है वो काफ़ी ऊंची हो, लंबी हो, मतलब छोटी सी कुर्सी, ज़्यादा छोटी ना हो, लंबी गद्दी वाली कुर्सी आपको लेकर आनी है जिसकी बैक लंबी हो। और उस कुर्सी को आपको अपने घर की नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी दिशा में रखना है और उसको आप जब लेकर आएंगे तो माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए। उसको आप फूल धूप दीप जला करके उसकी पूजा कीजिए। बाद में उसको अपने घर में नॉर्थ ईस्ट दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में स्थापित कर दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों को प्रमोशन ज़रूर मिल जाएगा और इसके साथ ही साथ आपको व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही साथ जो लोग आकर्षण चाहते हैं, जो लोग निखार चाहते हैं अपने सौंदर्य में, उनको क्या करना है, श्रृंगार का सामान आप लेकर आइए अपने घर पे, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। श्रृंगार में सबसे पहले इत्र ज़रूर लेकर आइएगा, चंदन का या फिर गुलाब का इत्र यदि आप लेकर आते हैं तो आपका सौंदर्य निखार ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि इत्र एक तरह से शुक्र ग्रह को समर्पित होता है और ऐसा कहा जाता है शुक्र ग्रह ही हमारी खूबसूरती का कारण होता है। तो इसीलिए इत्र आप ज़रूर लेकर आइए, साथ ही साथ श्रृंगार का सामान लेकर आइए, आपकी खूबसूरती में बढ़ोतरी होगी। बात कर लेते हैं अगली मनोकामना की। यदि आप चाहते हैं आपका जीवन शांतिपूर्वक कटे, अगर आपको मेंटल स्ट्रेस रहता है और इसके साथ ही साथ डिप्रेशन रहता है, तो आपको चंदन
ज़रूर खरीदना है। सफ़ेद चंदन आप खरीद करके माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए और साथ ही साथ उसको नित्य रूप से अपने माथे पर लेप की तरह लगाइए। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आप तनाव मुक्त अपने जीवन में रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये विषय आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त और ये उपाय आप ज़रूर कीजिए ताकि आपकी जितनी भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। जय श्री राधे, नमस्कार।